से मेरी बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, एक तगड़ा मॉडिफिकेशन बचा है। तो गाइस आया है एक प्रोडक्ट, सिमटेक से, जिसको मैंने मंगवाया था कुछ दिन पहले। तो अब ये लगेगा हमारी बाइक में। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर गाइड। मैं हूं चंद्र, अपने वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से मैं राइड नहीं कर रहा हूं, अभी मतलब मेरा हाथ में थोड़ा बहुत पेन है, तो धीरे धीरे लॉन्ग राइड शुरू करेंगे फिर से। ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, ये है सिमटेक का हजार प्लेशर। टाइटल देखो तो पता चल ही चुका होगा, स्विचलेस वाला नहीं है इसमें। अब दो मॉडल आने लग गए हैं, एक स्विचलेस वाला भी आता है और एक विद स्विच वाला भी आता है। विद स्विच वाला थोड़ा सा सस्ता है, स्विचलेस वाला और विद स्विच वाला में क्या फर्क है आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो। तो ये रहा प्रोडक्ट, तो ऐसा करते हैं इसको खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं पहले। और काफ़ी दिन बाद कोई अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, पता है पहले अनबॉक्सिंग के वीडियो बनाता था बट अब नहीं बनाता हूँ। तो देख सकते हो ये है सिमटेक का प्रोडक्ट। वो कुछ ये वारंटी कार्ड वगैरह है, ये कुछ फ्यूज़ हैं इसके वायर, ये है मेन डिवाइस, यूनिवर्सल वाला है एक्चुअली। स्विच मिलता है, स्विच तो बहुत बढ़िया सा लग रहा है, तो इसी में आके लगेगा। ये जो देख रहे हो आप, ये स्विच यहाँ पर आकर लगना चाहिए जहाँ तक है। ये देख रहे हो स्विच यहाँ पर आकर ऐसे लगेगा। देखते हैं क्या क्या है इसमें, और इसमें कुछ ऐसे टाई अप दे रखा है, स्टिकर्स दे रखे हैं। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे तालिफ के पास, और वायरिंग वाला सारा काम मैं तालिफ से ही करवाता हूँ या फिर सर्विस सेंटर पे करवाता हूँ। तालिफ से ही सारा काम करवाना मुझे सही लगता है, क्योंकि वो मतलब बहुत इस चीज़ में बहुत ट्रेंड है। तो ये वाला मॉडल है अपना, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल हजार्ड मॉड्यूल। और इसमें देख सकते हो पैकेट में क्या क्या है, सब लिखा है। और MRP इसकी 1299 है, बट ये कुछ 900 या 1000 रुपये का पड़ा है मेरे को। और इसमें 21 मोड है। तो फिलहाल चल रही है सिमटेक हजार्ड प्लेशर की वायरिंग, तो यहाँ से भी लगा सकते थे। ये देख रहे हो सारे चार तार हैं, लेकिन हम लोग लगा रहे हैं आगे से तार, यहाँ पर इंडिकेटर के तार गए हैं, तो वो फ्लैशर को हजार्ड प्लेशर को उसके अंदर डालेंगे। आगे वाले इंडिकेटर तो उसकी भी तो हमने यहाँ से पैनल के पास, बाकी पिच यहाँ इंस्टॉल कर दिया हजार्ड का, और जो फॉग लाइट का वो उधर कर देंगे। तो यूनिवर्सल वाले कनेक्शन में चार तार होते हैं, एक रेड, ब्लैक, येलो और ग्रीन। तो येलो और ग्रीन इंडिकेटर में जाएगा, ब्लैक जाएगा अर्थिंग में, और रेड जाएगा मेन में, जहाँ से आप सप्लाई की आ रही है, पावर आ रही है। आप ले सकते हो बेसिकली इग्निशन से ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा कनेक्शन जो डायरेक्ट बैटरी से ना आ रहा हो, स्विच ऑन करने के बाद आ रहा हो, वहाँ से लोगे आप तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो फ्रंट वाले पैनल खोल के हम लोग आगे वाले इंडिकेटर के जो तार होते हैं उसमें से हम लोग फिट कर रहे हैं, और जो सिम कार्ड का जो हजार्ड फ्लैशर है उसको भी पैनल के अंदर फिट कर देंगे और वो वहीं पर सेट हो जाएगा। चारों इंडिकेटर अच्छे से काम कर रहे हैं, बढ़िया वायरिंग हो गई सारी। बाइक में हजार्ड सिस्टम इंस्टॉल हो गया है सिमटेक वाला, और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी तो आगे शूट नहीं कर पाए, मतलब शूट तो पूरा कर लिया था बट आगे भी हमें दिखाना था, क्योंकि उसमें मैंने पैटर्न नहीं दिखाए थे। ये लगी अपनी बाइक, तो एक बार दिखाते हैं इस तरह ऑन करने पर कैसे दिखता है। ऑन करने पर ये दोनों ब्लिंक करते हैं, उसके बाद ये रहा पैटर्न के लिए, चेंज करने के लिए देख सकते हो यहाँ पैटर्न ऐसे दिखेगा। यहाँ भी सेम चलेगा जैसे वहाँ चलेगा। और अभी इसमें एक्चुअली देख सकते हो आप, अभी भी इसमें जो है हैलोजन बल्ब हैं जो कंपनी फिटेड थे, इसमें मैंने LED बल्ब नहीं लगवाए हैं अभी, पीरियड ऑफ टाइम के बाद लगवा लेंगे बाद में। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत है, बट एक तगड़ा मॉडिफिकेशन बना है उसका वीडियो अलग से आएगा। तो अब जितना था वो हो चुका है, और मुझे इसमें कोई पेंट पोंट नहीं कराना है, बढ़िया है। क्रैश गार्ड की वजह से तो बहुत खेल रही है अभी। प्रेशर रखा है इसके अंदर, और एक पन्नी में करके मैंने उसको बांध दिया आराम से पैक है अंदर, क्योंकि जो फ्रंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनकी वायर यहाँ पर है, दिख भी रही है, यहाँ से मैं चाहूँ तो उसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। चलो मिलते हैं रात में, थोड़े से आपको पैटर्न दिखाते हैं। तो गाइस अब दिखाते हैं आपको इसके पैटर्न, और वैसे इसमें 21 पैटर्न है, LED बल्ब लग जाएगा, तो ये जो 21 पैटर्न है बहुत अच्छे से काम करेंगे इसमें। ये है इसका मेन जो बेसिक हजार्ड वाला पैटर्न है, वो ये वाला है, बहुत बढ़िया चल रहा है यार।
जैसा मुझे चाहिए था। हाँ रात में काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा है कि बाकी रात में तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। शायद एलईडी अगर बल्ब इसमें लगवा दूंगा सिमटेक के या फिर कोई भी एलईडी बल्ब तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैश करेगा। तो काफ़ी सारे पैटर्न हैं, वो धीरे धीरे मतलब जो भी आपको पसंद हो आप वो पैटर्न रख सकते हो। तो सारे पैटर्न दिखा के क्या ही फ़ायदा है, अब जितना है इनफ है। तो गाइस आई होप आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, ride safe, stay safe. Bye-bye.